हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रोमिच और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक सिंगल प्लेयर सर्वाइवल सीरीज। जिसको भी ये इंट्रो नहीं देखना है वो नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। और जो भी इस इंट्रो को अभी तक देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस टाइप का ये मेरा पहला वीडियो है। नॉर्मली मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके उसके ऊपर वॉइस ओवर डालता हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो में काफी सारे मिस्टेक आप लोग को सुनाई दे, कहीं कहीं पे मैं हकला जाऊंगा या प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सबको इग्नोर करेंगे और ये सीरीज इंजॉय करेंगे। और आप में से कुछ को पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट एक सैंडबॉक्स गेम है। सैंडबॉक्स गेम ऐसे गेम को बोला जाता है जिसमें प्लेयर पे जितना कम हो सके उतना लिमिटेशन लगाया जाता है। मतलब आप पे काफी हद तक फ्रीडम रहती है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव किस सीक्वेंस में करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही डेवन में स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के ड्रैगन को हराने चले जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा अच्छा से खेल के सब कुछ अपग्रेड करके जाते हैं। तो सबका खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो ये सीरीज मेरा स्टाइल दिखाएगा। आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं हम लोग। वर्ल्ड का नाम रखते हैं लेट्स प्ले हिंदी। सर्वाइवल मोड पे खेलेंगे, ऑब्वियसली डिफिकल्टी हार्ड रहेगा, चीटिंग नहीं करेंगे और बाकी सारा सेटिंग डिफॉल्ट रहेगा। जब तक ये वर्ल्ड लोड होता है तब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ये जावा एडिशन पे खेल रहा हूँ। इंडिया में ज़्यादातर प्लेयर बेडरॉक एडिशन पे खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, तो कुछ चीज़ें उनके लिए अलग रहेंगी, हमारे लिए अलग रहेंगी। तो फंडामेंटली गेम सेम ही है, तो आप लोग चाहे तो मेरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको अलग बनानी पड़ेंगी। तो देखते हैं हम लोग को किस टाइप का वर्ल्ड मिलता है। और ये हम लोग को मिला है प्लेन्स बायोम। ये मेरे फेवरेट बायोम में से एक है। बगल में स्नो वाइट माउंटेन है। अरे बाप रे, मैं तो गड्ढे के बगल ही स्पॉन हुआ था। हाँ, जैसे मैंने कह रहा था कि जावा बेडरॉक थोड़ा अलग होता है, पर बेसिक गेम एक्सपीरियंस दोनों में सेम ही होता है। और दोनों ही एडिशन में आप लोग को शुरुआत करना होता है लकड़ी तोड़ के। तो चलिए बनते हैं हम लोग लकड़हारा को, जॉब लेते हैं आगे जाके। ये रहा एक पेड़, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे मुझे ये लकड़ी मिला वैसे ही टॉप राइट कॉर्नर पे एक पॉपअप आ गया। तो उस पॉपअप के बारे में बताता हूँ, थोड़ा लकड़ी जमा कर लूँ। हाँ, तो जैसे हम लोग कोई एक नया आइटम एक्वायर करते हैं, हमारा रेसिपी बुक, ये जो छोटा सा बुक दिख रहा है उसमें एक नया रेसिपी अनलॉक हो जाता है। तो हम लोग को जो ओक लॉग मिला था उससे हम लोग ओक वुड बना सकते हैं और ओक प्लैंक बना सकते हैं। ओक वुड फिलहाल ये मेनली डेकोरेशन आइटम है, तो इस पर हम लोग को अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है। हम लोग सारे के सारे लकड़ी से ओक प्लैंक बना लेंगे। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ओक प्लैंक बनाते ही कुछ नए रेसिपी अनलॉक हो गए। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है क्राफ्टिंग टेबल। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। अब इसको पहले ज़मीन पर रखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं अपना इन्वेंट्री ओपन करता हूँ तो हम लोग को 2x2 का क्राफ्टिंग एरिया मिलता है। तो उस 2x2 में जो भी बनाना पॉसिबल है हम लोग को यहीं पे मिल जाता है। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग 2x2 के एरिया में क्राफ्ट नहीं कर सकते। अब वो चीज़ें होती हैं जैसे ओक डोर हो गया, साइन हो गया, ये सबको 3x3 का एरिया चाहिए होता है। तो इस कारण से हम लोग के लिए ये क्राफ्टिंग टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्टिक मिल गया, उसको उठा लेते हैं हम लोग। स्टिक मिलती है, देख सकते हैं कुछ और ट्रेने रेसिपी अनलॉक हो गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में सारा का सारा कंप्लीट वुडन टूल का सेट बना लेते हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वुडन टूल का एक तो स्पीड भी वैसे ही कम रहता है और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो उससे हम लोग ज़्यादा कुछ माइन भी नहीं कर पाते हैं। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो काफ़ी गहरा है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक वुडन पिकेक्स बना के कहीं खुले में स्टोन ढूंढता हूँ। अगर खुले में स्टोन नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कहीं पर भी ज़मीन में इस तरह से गड्ढा खोद सकते हैं। तीन या चार लेयर खोदने के बाद आप लोग को गारंटी है कि स्टोन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने तीन लेयर खोदा, चौथे लेयर पर स्टोन है। तो स्टोन लेयर पर जाके हम लोग को स्टोन माइन करना है।
शुरुआत में बस 3 स्टोन काफ़ी होता है। हम लोग 3 स्टोन लेके वापस ऊपर आएंगे, अपने क्राफ्टिंग टेबल में 1 स्टोन पिकेक्स बनाएंगे। अब देखिए हम लोग का एक अपग्रेड मिल गया, एडवांसमेंट मिल गया, गेटिंग एन अपग्रेड। तो स्टोन टूल का फ़ायदा तो जैसे मैंने बताया कि उनकी ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और स्पीड भी ज़्यादा रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पर वुडन पिकेक्स से माइन करेंगे तो हम लोग को 1 सेकेंड से ऊपर टाइम लगता है, और स्टोन से माइन करेंगे तो 1 सेकेंड के भीतर माइन होता है। मैं टाइमिंग स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो हम लोग को यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टोन अपना स्टोन पिकेक्स से जितना हो सके उतना स्टोन माइन कर लेते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। कुछ लोग सजा के रखते हैं कि मेरा पहला टूल था। आप लोग जो चाहे करना चाहे करें, मैं स्टोन पे ज़्यादा टाइम क्योंकि मैं वुडन टूल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे स्टोन आइटम पे आ जाता हूँ। तो हम लोग का कंप्लीट स्टोन टूल सेट बनाने के लिए कम से कम 25-30 स्टोन तो चाहिए होता है, एग्जैक्ट काउंटिंग तो मुझे भी याद नहीं है। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी माइन कर लेता हूँ हमेशा ताकि फर्नेस वगैरह बना सकूँ। 40 काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कोल मिल ही गया तो कोल भी माइन कर लेता हूँ। कोल से हम लोग कोयले से हम लोग टॉर्च बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, और भी कुछ इस्तेमाल है जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए जितना है सामने में वो माइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना हम लोग को कॉल मिला, 25 कॉल हम लोग को मिला, वो माइन करके हम लोग वापस ऊपर चलते हैं। यार मेरा सिर यहाँ टकरा रहा है। ठीक है, तो ऊपर आके हम लोग सबसे पहले बाकी का टूल बना लेते हैं। हम लोग को चाहिए कि स्टोन सोड या तलवार लड़ाई करने और शिकार करने के लिए। पिकेक्स हम लोग पास ऑलरेडी है, फिर भी एक एक्स्ट्रा बना के रख लेता हूँ। और हमारा स्टिक ख़त्म हो गया तो कुछ और स्टिक बना लेते हैं। अब फिर हम लोग बना लेंगे एक एक्स कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए काम आएगा। एक बनाएंगे सवल बेलचा, ये डॉट वगैरह खोदने के लिए काम आता है। और एक बना लेंगे स्टोन हो, ये खेती वगैरह में काम आता है। हमारे पास स्टिक बचा हुआ है तो एक टॉर्च भी बना लेते हैं डॉट। और हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। और हाँ, माइनक्राफ्ट में डे नाइट का साइकिल 20 मिनट का रहता है, मतलब हमारा दिन 10 मिनट का रहता है, रात 10 मिनट का रहता है, और ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है। तो हम लोग का नेक्स्ट फोकस रहेगा खाना और ऊन जमा करना। भेड़ को मारने से हम लोग को ऊन मिलता है, उस ऊन से हम लोग बेड बना सकते हैं। अगर हमारे पास बेड रहेगा तो हम लोग नाइट स्किप कर सकते हैं। तो भेड़ को मारने से हम लोग को मिलता है मटन और साथ में वूल। तो ऊन हमें से एक ही मिलेगा, मटन का काउंट 1 से 3 तक हो सकता है। तो वूल से हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बेड बना सकते हैं और मटन हम लोग का खाने के लिए काम आता है, तो हम लोग को बेड बनाने के लिए 3 वूल चाहिए होता है। तो हम लोग फटाफट 3 वूल जमा कर लेते हैं। अब हमारे पास बेड का अरेंजमेंट हो गया है और उसी के साथ हम लोग को खाना भी मिल चुका है। तो हम लोग को नाइट स्किप करने का इंतजाम तो लगभग हो ही चुका है, पर फिर भी मैं थोड़ा आसपास देख लेता हूँ कि हमारा आसपास हम लोग को क्या अवेलेबल है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर हम लोग स्पॉन हुए थे उस एरिया में, उस एरिया कहीं पर पक्का मुझे अभी भी समझ कन्फ्यूजन है, जाने से पता चलेगा। तो लोग अपने स्पॉन एरिया पे ही अपना बेस बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कहीं दूर जाके मर जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप लोग स्पॉन पे ही वापस रिस्पॉन होंगे। पर मैं विलेज के आसपास अपना बेस बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि विलेज से हम लोग को काफ़ी कुछ मिलता है और हम लोग वहाँ से विलेजर भी ला सकते हैं। विलेजर काफ़ी काम की चीज़ है। तो हम लोग थोड़ा आसपास कुछ और देख लेते हैं हम लोग के आसपास कैसा एरिया हम लोग को मिला है। ये काफ़ी बड़े, अरे वहाँ एक विलेज भी दिख भी गया। चलिए, किस्मत अच्छी थी, हम लोग को एक विलेज भी मिल गया। तो हम लोग चलते हैं विलेज पे ही, शाम होने से पहले लोग विलेज पे ही अड्डा मारेंगे। और हाँ, किसी कारण से आपको विलेज ना मिले, आप लोग बैठ के भी ऊन ना जमा कर सके ना कर पाए, तो आप लोग को पैनिक नहीं करना है। बस इस तरह से कहीं भी एक एरिया पे जा करके एक सुरंग खोदना है और वहाँ पे एक गुफा बना करके
एंट्रेंस ब्लॉक करके आप लोग वहाँ पे नाइट स्किप कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं दरवाजा लगा सकते हैं या पूरा का पूरा ब्लॉक करके बीटेक टॉर्च लगा के आप वहाँ नाइट बिता सकते हैं। और जब तक रात का टाइम है तब तक आप लोग कुछ और माइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। खुदाई करते करते आप लोग को ऊन कोयला जो भी मिल जाए जमा कर लें तो आप लोग का ही फायदा है। फिलहाल तो हमारे पास टाइम है रात होने में, तो तब तक उम्मीद करता हूँ विलेज थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे हम लोग। और हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा नीचे जो लेफ्ट साइड में जो हार्ट है एक आधा हो चुका है, तो आप लोग कहीं ज़्यादा ऊंचाई से गिरते हैं या पिच मारता है तो आप लोग का हार्ट कम होता है, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं था। और उसके बगल में आपके दूसरे साइड में चिकन लॉलीपॉप लेग पीस या ड्रम स्टिक जो भी है वो आपका हंगर बार है। जब भी आप इस तरह से भागते रहते हैं या खुदाई करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपका हंगर ख़त्म होता है और आपको भूख लग जाती है। जब आप लोग हंगरी रहेंगे तो आपका हार्ट रिस्टोर नहीं होता। मेरे पास एक्स्ट्रा मटन है तो मैं खा के दिखाता हूँ। अगर हमारा हंगर बार फुल हो जाएगा तो हमारा हार्ट भी अपने आप रिस्टोर हो जाता है। पर फिलहाल मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक मटन कच्चा ही खा गया, पर रिकमेंड किया जाता है कि आप मटन कच्चा ना खाएं, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक मटन खा के हमारा एक ड्रम स्टिक फुल हुआ, यही हंगर फुल हुआ। और अगर आप लोग पका के खाएंगे तो ज़्यादा आपका हंगर फुल होगा। तो विलेजर अपने शाम हो चुकी है, विलेजर सोने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेड मिल गया हम लोग के चेस्ट पे। विलेज में आप लोग घूमिएगा तो यहाँ वहाँ कुछ कुछ कर में आपको चेस्ट नजर आएंगे और चेस्ट में कुछ अच्छे लूट भी मिल जाते हैं। तो विलेज मिलना बहुत काम का चीज़ होता है। तो रात हो रही है, रात को भटकना खतरनाक है, मॉन्स्टर स्पॉन हो जाते हैं। तो मैं एक बेड बना लेता हूँ। सबसे पहले क्रिसमस से हमारे पास बस 3 ओक प्लैंक बचे थे, ठीक है, तो हम लोग एक बेड बना लेते हैं और यहाँ बिछा करके नाइट स्किप कर लेते हैं। एडवांस भी मिल गया, स्वीट ड्रीम्स। हम लोग अपना बेड वापस ले लेते हैं, नहीं तो विलेजर ब्लेड बेड क्लेम कर लेते हैं। और देखते हैं विलेज में हमारे लिए और क्या क्या है। हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर आप लोग बेड अरेंज ना कर पाए तो आप लोग गुफा बना के नाइट वहाँ पे बिता सकते हैं। पर किस्मत से हम लोगों को विलेज भी मिल गया और बेड भी एक्स्ट्रा बनाने का सामान भी मिल गया, तो हम लोग के पास ऑप्शन था नाइट स्किप करने का। तो ये सारे घर में कुछ खास लूट दिख तो नहीं रहा है, कुछ खास मिल नहीं रहा हम लोग को। ये ऊपर वाला एक देख लेते हैं, यहाँ कुछ मिल जाए तो। ये तो फ्लेचर का घर है, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम लोग को कुछ और पावरोटी ब्रेड मिल गया और कुछ आलू मिल गए, ये तो हम लोग रख लेते हैं। और यहाँ सुंदर बेड भी है। अरे वाह, हम लोग को आयरन मिल गया। हाँ, अगर आप लोग आयरन का बताना चाहूँगा, ये आयरन ओर है। अगर आप लोग गुफा में जाते हैं या किसी पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ में आप लोग को और गुफा में दोनों ही जगह में आप लोग को खुले में आयरन ओर दिखाई दे देंगे। आयरन से हम लोग आयरन टूल बना सकते हैं जो स्टोन से बेटर होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। तो अर्ली गेम में आप लोग के लिए आयरन काफ़ी काम आएगा। तो जहाँ भी जितना भी आयरन दिखे कोशिश करिए कि सारा आयरन आप लोग उठा ले। यहाँ से हम लोग को 6 आयरन मिला। 6 आयरन से हम लोग एक पिकेक्स और एक बकेट बना सकते हैं। विलेजर ऊपर सारा ऊपर और घरे लगते हैं। अरे बेचारा गिर गया। तो लोग और ऊपर जाके देखते हैं ऊपर में और कोई घर है या नहीं। हाँ, यहाँ पर एक और खुला आयरन मिल गया। यहाँ आप लोग को कुछ हिंट मिल सकता है। विलेज में काफ़ी सारे हिंट मिलते हैं कि आप लोग इस तरह से जानवर पाल सकते हैं। एक ही आयरन था, कोई बात नहीं, हम लोग और ऊपर चढ़ना है। कभी कभी ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं मिलता, हम लोग को घूम फिर के जाना पड़ता है, जैसे मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। और ये घर काफ़ी छोटा सा है, लगता नहीं इसमें कुछ मिलेगा। फिर भी देखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने बोला था कुछ लूट मिला ही नहीं हम लोगों को। हाँ,
अच्छा यहाँ एक और घर है, ये क्या बोलते हैं, लेदर वर्क का घर है, चमड़े का, चमार के बोलता है जिसको, इसका घर है। यहाँ पर हम लोग को लेदर मिलेगा और उनका वर्क स्टेशन। फिलहाल हमको उसका जरूरत नहीं है, पर हम लोग के लिए ये हेबेल काफी काम आता है। हेबेल तोड़ने के लिए सबसे अच्छा टूल तो ये हो रहता है, लगभग इंस्टेंटली माइंड कर लेता है। हेबेल से हम लोग वीट बना सकते हैं और हेबेल हम लोग घोड़े को खिलाने के लिए भी काम ला सकते हैं, पर वो बात की बात है। और नीचे ये स्टोन रूफ दिख रहा है और साथ में एक गोलम घूम रहा है। ये एक कुआं है मेरे ख्याल से, छोटा साइज का तो कुआं ही होगा। आओ यहाँ गोलम है। अगर अर्ली गेम में आप लोग को गोलम, आप लोग को आयरन खुले में ना मिल पा रहा है, आपका किस्मत ख़राब है, तो आप गोलम को मार के भी आयरन ले सकते हैं। और गोलम काफ़ी ख़तरनाक होता है, तो उससे लड़ना भी थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। नीचे कुछ सारे घर दिख रहे हैं, नीचे जाने का हम लोग को रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ से रास्ता तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं छत पर कूद कर एक या दो हार्ट की डैमेज ले लेता हूँ। डेढ़ हार्ट हमारा कम हुआ और थोड़ा और कम हो गया। और यह तो मैं पहले आ चुका था इतनी, अरे बाप रे। इस कारण से पहाड़ों पर चलते हुए इस यही चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि आप लोग मेरी तरह है, मेरे जैसे यहाँ वहाँ गिरते पड़ते ना रहे, नहीं तो गिर गिर के आप लोग मारे जाओगे। ये सारे हेबल हम लोग चुरा लेते हैं। विलेजर वैसे भी इनको बस डेकोरेशन के लिए रखते हैं, कुछ यूज़ तो करता है नहीं, तो हम लोग चुरा सकते हैं, वो लोग भूखे नहीं मरेंगे। अरे लेदर कैप, कुछ ना से कुछ चीज बेटर, एक ब्रेड भी वो भी ले लेता हूँ। सॉरी मैंने साथ वापस रख दिया। हाँ तो ये लेदर कैप आपका आर्मर का काम करेगा। ये लेदर कैप पहनते ही हम नोटिस किया आप लोगों ने कि अरे ड्रिप स्टोन। ठीक है पहले लेदर कैप के बारे में बता देता हूँ। गेम में तरह तरह के आर्मर होते हैं। सबसे लोअर लो टायर का होता है लेदर आर्मर, उसके ऊपर होता है आयरन, उसके ऊपर होता है डायमंड, और उसके ऊपर है नेदरराइट। और कुछ और भी टाइप है, जैसे गोल्ड आर्मर, वो आयरन से वीक रहता है पर उसका एक अलग इस्तेमाल है। और एक होता है चैन मेल आर्मर, वो नेचुरली ओपन करना तो मुश्किल है, किसी जोम्बी और स्केलेटन को मार के हम वो जमा कर सकते हैं। और ये हमारे पास सामने है ड्रिप स्टोन, ये काफ़ी काम की चीज़ है, पर फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि डे वन पर हम लोग उसका कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग अभी तक एक बेस भी सेटअप नहीं किए हैं। ये पार्क की ओर जा रहा है ये पानी, मैं थोड़ा आसपास देखना प्रेफर करता हूँ अपना बेस सेटअप करने से पहले, ताकि इस तरह के आयरन वगैरह कुछ और काम की रिसोर्स हम लोग जमा कर लें। इस टाइम भी बस पहाड़ ही दिख रहे हैं दूर दूर तक। एक भी ड्रिप स्टोन केव है यहाँ पे, अभी तक गुफा है, काफी अंधेरा है। गुफा हम लोग बाद में जाएंगे देखने, किस तरह से गुफा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इस तरफ कुछ है नहीं, बस सब तरफ पहाड़ी पहाड़ है। अरे ऊपर छूट गया था, ऊपर एक ये है चर्च, क्लेरिक विलेज का घर। ठीक है तो ये सब मैं बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक एपिसोड इतना ज़्यादा लंबा बन जाए कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाएं। अगले एपिसोड में हम लोग बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं वापस जाता हूँ विलेज के स्टार्टिंग पे। काफ़ी लोग वैसे तो विलेज को ही अपना बेस बना लेते हैं, पर विलेज में बेस बनाने का एक दिक्कत ये होता है कि अगर आप लोग विलेज को
प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रात को ज़ॉम्बी आ जाएंगे और आपके सारे विलेजर्स मारे जाएंगे, तो विलेज में बेस बनाने का पर्पस ही फेल हो जाता है। ये काफ़ी बड़ी गुफा है तो हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्स मिल जाएंगे इस तरह के गुफा में, बड़े बड़े गुफा में। तो मैं विलेज से थोड़ी दूर अपना एक बेस सेटअप करने की तैयारी करता हूँ। मतलब एक बात तो पक्का, इस सीरीज में हम लोग को माइनिंग में काफी सारा हम लोग का माइनिंग में काफी टाइम बीतने जा वाला है। तो मैं इस आसपास कहीं पे अपना बेस बनाने की सोच रहा हूँ। ये थोड़ी ऊंचाई पे है तो हम लोग थोड़ा दूर दूर तक नजर रख पाएंगे हमारे आसपास क्या चल रहा है, और विलेज से ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा ताकि हम लोग विलेजर्स के साथ कुछ एक्टिविटी कर पाए। तो इस एरिया को मैं अब क्लेम कर लेता हूँ मेरे बेस के रूप पे। यहाँ एक रख दिया बेड हमारा, रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया। और आज के एपिसोड का हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।